लीजिए गाइस, फिर हम पहुंच गए हैं तांगुलंगला पास। ये था हमारा रात का होम स्टे। हम रुके थे यहाँ पे सब शीतल, वरुण, अपने सगी भाई, कौशल भाई, यहाँ से था मैं। और अभी हम रुके थे गाइस, आपको जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया गया, हम रुके थे पांग में, क्योंकि सरचू पे चलने के बाद सरचू से जो पांग का डिस्टेंस है 76 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस को कवर करने में हमें लग गए थे अप्रॉक्स 3 घंटे, लेकिन काफ़ी अच्छे हमने टाइम कवर किया, काफ़ी अच्छे से किया। बट लेकिन रोड काफ़ी ख़राब था, अगर रोड अच्छा होता तो हो सकता हम और जल्दी पहुँच जाते, या हम कर लगा सकते थे बाइक। चलो जैसा भी है, हमने यहाँ स्टे किया, काफ़ी अच्छा रास्ते, ये पांग में रुके हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हमें, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हल्का हल्का हेडक हुआ था लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। बट बाकी जो अपने फ्रेंड थे जैसे कौशल भाई और वरुण ऑटो को मैं डायमॉक्स की गोली दे रही थी एक एक, तो उनका भी सदर ठीक हो गया था। तो गाइस इसी नोट पे करते हैं वीडियो को शुरू। दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिम बाइकर रिव्यू। सो गाइस आज का जो एपिसोड देख रहे हो आप, ये एपिसोड होगा पांग से लेके करू तक का या तांगला का, जहाँ का भी बनेगा तो आपको पता लग जाएगा वीडियो में। अभी दिखाते हैं आपको बाहर का यहाँ सराउंडिंग का व्यू। और ये है हमारे दीदी जिन्होंने हमारे रात को खातिरदारी की है काफ़ी अच्छे से, उनके ढाबे का नाम है जनता ढाबा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, या जैसे आप एंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर इनका ढाबा पड़ेगा, तो आप इनसे मिल सकते हो। काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन है यहाँ पर रुकने का भी और खाने का भी, छोटे रूम भी है आपके यहाँ, कॉटेज भी है इनके पास, इनके पास सेपरेट रूम भी, अगर आपने सेपरेट में रुकना वहाँ भी रुक सकते हो आप, हाँ डोरमेट्री भी रुक सकते हो आप। तो ये था कुछ, बाहर निकली है कड़ाके की धूप गाइस जबरदस्त, और यहाँ पे हो रही है सभी की बाइकों को कॉल स्टार्ट किया जा रहा है। और ये सर गुड मॉर्निंग, रात कैसी बीती? बहुत ही ज्यादा अच्छी, एक बजे क्या हुआ, बातें करने लगे वरुण दीदी को, परेशानी हो गई रात को, क्या कोई प्रॉब्लम हुई? दो बार नैप लिया। अच्छा जी, पहले एक बजे उठ गए, उसके बाद कोई हाई एल्टीट्यूड की एमएस तो नहीं हुआ ना? नहीं, इतना कुछ हल्का हुआ, इतना खास फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा था, इतना तो होता ही है। फिर हाँ जी, लगे पहले खड़ा हूँ यार, दिखाओ ना कैसा रहा फिर रात का एक्सपीरियंस। ओ हेलो, बहुत बढ़िया। और बाकी के 6-7 दिन तो नॉर्मल जगह में था, जब से लद्दाख मणिकल से इंटर किए हैं थोड़ा सा हाइट का इशू, पांग में इतना फील हुआ कि एल्टीट्यूड का नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का था, हल्का हुआ, आप डायमॉक्स दिए उससे ठीक हो गया, हुआ लेकिन हुआ था जिस हिसाब से लोग बता रहे कि काफी होता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, नहीं वो उस लेवल का नहीं, लेवल का नहीं, झेल सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है आपकी बॉडी का कैसा हुआ है, लेकिन ना आपका वर्क कैपेसिटी कम हो जाता है। हाँ बस ये वो तो हर किसी का हो रहा है, वर्क कैपेसिटी कम हो जाता है, ठंड नहीं लगा उतना, ठंड लगे आप यहाँ। तो गाइस ये था सबका रिव्यू, सबका सबने बताया कि कैसा करूँगा एक्सपीरियंस था पांग का, जहाँ तक हमने सुना है पांग में सभी बोलते हैं कि यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें स्टे करना पड़ गया रात को, बिकॉज काफ़ी रात हो चुकी, 6 बज चुके थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर यहाँ पे स्टे करना पड़ा, क्योंकि रात का आगे का डिस्टेंस आगे तांगला पास पड़ता आगे, तो उसको भी हमने आपको दिखाना था, अगर रात को कवर करते तो आपको दिखा ना पाते। तो अभी यहाँ से जो ये व्यू आता है माउंटेन्स के, आपको लग रहा है वैसे हम डेजर्ट में आ गए हैं, तो ये डेजर्ट ही है गाइस, लद्दाख डेजर्ट माना जाता है। तो ये लद्दाख, ये छोटी सी मार्केट है पांग की, और वहाँ पर लिखा हुआ एल्टीट्यूड 15,280 फीट की हाइट पर है इस समय, हम सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो हम इधर से आए थे सरचू की साइड से, अब इधर जाएंगे हम करू की साइड तांगला लगा होते हुए। तो ठीक है गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे सीधा हम तांगला के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जिन्होंने भी तक वीडियो यहाँ तक देख ली और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, सभी के चैनल को, जितने अपने साथ भाई बंधु चल रहे हैं सभी यूट्यूबर हैं, वरुण नोटे, सगी, हिल बाइकर, कौशल ब्लॉग। तो ये आपको आज ये हमारे 4-5, 10-15 जितने भी आएंगे लद्दाख के सब में देखेंगे और सबको आपसे मिलवाते भी रहेंगे। हाँ एक और नई बात, तो गाइस हमारे साथ जो बाइक्स जा रही हैं, एक जा रही है हमारे पास होंडा 125cc शाइन 125cc जो कि कौशल भाई की FZ जा रही है 250, एक जा रही है 100cc की बाइक बजाज की डिस्कवर, अपाचे 160, पल्सर 150। तो सारी सीसी की बाइक हमारे पास 150cc लेके 100 से लेके 125cc तक की बाइक हमारे चल रही है, और सभी बाइकों की जो परफॉर्मेंस है अभी तक तो गुड रही है, बहुत गुड रही है। अभी आगे का देखेंगे, अभी तक तो बिल्कुल ओके रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। हमने हमने पंप भी कैरी नहीं किया, हाँ हवा का पैसा भगवान की कृपा रही है, जहाँ आइएगा ना नाइस एक आगे पंप आता है, वहाँ तेल फुल करवा के गए, क्योंकि 400 किलोमीटर कोई पंप नहीं आएगा, हाँ उसके बाद कोई पंप नहीं मिलेगा आपको 400 के आसपास, 365 किलोमीटर के आसपास टांडी से।
करवा के आइए प्लीज। सभी सभी को रिक्वेस्ट है पेट्रोल फुल करवाइए, उसके बाद आपको मिलेगा करूए पेट्रोल पंप। ना कोई पंचर वाला मिलेगा, ना कोई पंप मिलेगा, पंचर शॉप मिल जाएंगी आपको, जिंजिंग बार तक मिल जाएंगी आपको। उसके बाद कम हो जाती है शॉप, बहुत कम बिकती है। उसके बाद सरचू मिलेंगी आपको, सरचू भी खाने की शॉप है। तो ठीक है गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से आगे अपना कंगलंगला और करू के लिए। तो सनराइज भी आ गया है काफी ऊपर, टाइम हो गया है सुबह के 7 बज चुके हैं इस समय ऑलमोस्ट, और एक संदेह के तौर पर आ गया, इसे लग रहा है काफी 9-10 बज रहे हैं इस समय। ठीक है निकलते हैं आगे। तो गाइस सारी चैन बाइक को कर देते हैं चैन लूप्स, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ से तो यहाँ का चार्जेस जो है गाइस, वो है 200 रुपए पर बेड और 150 रुपया खाने के अलग से और ब्रेकफास्ट के लिए तो अलग से। तो ये है इनके चार्जेस। इनके पास कॉटेज भी हैं, ये बने हुए हैं कॉटेज, अगर आपने ये रुकना हो, वुडन कॉटेज है तो यहाँ भी रुक सकते हो आप। थोड़ा सांस भारी लेना पड़ता है बिकॉज काफी हाइट एल्टीट्यूड पे हम, तो इसलिए। और अभी चल रहे हैं हम आगे तंगलंगला के लिए। पैंग में काफी है, इतनी सी मार्केट है, इतने से एरिया में आपको काफी कॉटेज मिल जाएंगे। तो गाइस बैठ गए बाइक के ऊपर और निकलते हैं आगे। आई होप एंगल सही आ रहा हो बिल्कुल। चलो आ जाओ आ जाओ। तो बस ये है कुछ अपना ढाबा जहाँ हम रुके थे रात को यहाँ पर, और भी ढाबे काफ़ी है यहाँ पर रुकने के लिए, स्टे करने के लिए ऑप्शन है। और ये जो गाइस लोकेशन है, ये अक्टूबर के बाद यहाँ से सारे चले जाएंगे, ये अक्टूबर के मिंड के बाद। हमने दीदी से पूछा था तो बता रहे थे अक्टूबर के, मैं एक बार डिक्स भी चेक कर लूँ, डिक्स तो काफ़ी बढ़िया है। अक्टूबर के मिड के बाद ये निकल जाएंगे, तो यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा आपको उसके बाद। सरचू के बाद एक यही लोकेशन आती है अच्छी रुकने के लिए, और कोई नहीं है। तो काफ़ी बाइकर्स रुके हुए हैं यहाँ पर। ये जो माउंटेन है गाइस, काफ़ी रतीले माउंटेन है बहुत ज़्यादा, और अभी हमने वो चढ़ना ऊपर। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया गाइस, ये अभी 15,280 मीटर की हाइट पे है ये एरिया। तो इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी यहाँ पे फैसिलिटी तो है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही मिलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है फैसिलिटी पूरी। अप्रैल के मई में आ जाते हैं यहाँ पे लोग, ये जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ पे अपने ढाबे वगैरह खोल देते हैं, और अक्टूबर के मिड में बंद कर देते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे गिर जाती है बर्फ गिर जाती है तो सारे रास्ते बंद होते हैं। नकीला हो गया, लाचुंगला हो गया, और बारालाचला हो गया, तो वहाँ पे जब बर्फ गिर जाती है तो रास्ते हो जाते हैं सारे बंद। तो गाइस हम पांग से निकल गए हैं, और पांग से निकले हैं हम 8:35 पर। हर बार की तरह आज भी लेट हैं, टारगेट तो है सुबह 7:30 बजे था, 7 बजे तक आसपास का निकलने का, बट क्या करें जब ग्रुप पे रेड करते हैं तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। निकल रहे हैं हम तंगलंगला के लिए, अब यहाँ से जो पास आएगा तंगलंगला ही आएगा। अपन ने लिया गया शॉर्टकट, ये रास्ता जा रहा मेन, ऊपर से घूम के आएगा, मैंने चाचा ये ले लेते हैं, ठीक लग रहा है, चढ़ जाएगी बाइक आराम से यहाँ पे। क्या वादियाँ यार, खूबसूरत वादियाँ, जितना देखो उतना कम। कई बार ऐसे छोटे ये शॉर्टकट लॉन्ग कट भी पड़ जाते हैं, मतलब कई बार बाइक चढ़ती नहीं ऊपर। लो जी साहब गाइस देख रहे हो, ये किसी मून लाइन से कम नहीं लग रहा। और नीचे का ये देखो कितना वो बनाया हुआ है, और नीचे रिवर भी आ रही है, ऐसे लग रहा है रेत की चोटियां बनी हुई है, रेतीली माउंटेन की चोटियां। इस समय बिल्कुल पूरी हाइट पे हैं हम, और यहाँ से ऐसे लग रहा है बिल्कुल पतरा मैदान है, एक बहुत बड़ा मैदानी एरिया है ये। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई प्ले ग्राउंड बना दो यार, खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है हिसाब से तो। और ऐसी एरिया में अगर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए क्या खूबसूरत लगेगा, बट यहाँ पे बना नहीं सकते क्योंकि ये सारा बंद हो जाता है भाई, ये बंद हो जाएगा, सारी बर्फ गिरती है यहाँ पे, पूरा एरिया बंद हो जाते हैं सारे पासेस। लेकिन काफी अच्छा लग रहा है ये प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगा प्लेस, ब्यूटीफुल। गाइस आप भी कमेंट करके बताना कि ये प्लेस कैसा लग रहा है आपको वीडियो में। पता नहीं आप वीडियो में इतना जजमेंट जज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन रियल आंखों में देख रहा हूँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। कैमरा शायद वो चीज़ जस्टिफाई कर पा रहा हो कि ना कर पा रहा हो। ओहो, और आगे आदमी की यूनिट खड़ी हुई है एक, तो कैमरा स्टॉप कर देते हैं,
एक और बात, आपको जो रोड खराब मिलेगा वो मिलेगा सरचू से लेके पांग तक। पांग के बाद आपको रोड एकदम मक्खन मिलेगा। सरचू के बाद रोड का बहुत काम लगा हुआ है, ब्रिज बन रहे हैं रास्ते में और भी बहुत सारा काम लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको रोड थोड़ा खराब मिलेगा। बीच बीच में पैचेस आएंगे थोड़े पक्के बट, लेकिन उसके बाद जो पांग के बाद जो रोड है एकदम मक्खन है, बटरी रोड है। और यहाँ से उपसी है 120 किलोमीटर रह गया अभी इस एरिया से, और टांगला अगला रह गया अपना 58 किलोमीटर यहाँ से। खूबसूरती है जगह की, ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल, ऑसम। तो आई होप गाइज आपने ये शॉर्ट थोड़े अपने सिनेमैटिक एंजॉय किए होंगे। तो इसी को नोट पे गाइज वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब यहाँ से तांगला लग रहा है, रह गया है 55 किलोमीटर और चलते हैं यहाँ से आगे। रोड देख लो गाइज कितनी बटरी रोड है, एकदम मक्खन। आपको पांग के बाद रोड गए थे एकदम मक्खन और बटरी मिलेगी, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ में। ऐसे लग रहा है इस माउंटेन के बीच में जाएंगे सीधा हम, सामने जो माउंटेन दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसे लग रहा है सीधा इसके अंदर ही घुस जाएंगे। लेकिन ये रोड ऐसे कट जाएगा, इधर को ऐसे चला जाएगा ऐसे होते हुए। हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है। यहाँ आगे फील होता है बॉर्डर क्या चीज़ है, बॉर्डर किसे बोलते हैं। वहाँ बैठ के आपको कोई फील नहीं होगा, इतनी टफ कंडीशन में रहना। यहाँ भी विंटर अभी दिसंबर के बाद देखना, नवंबर दिसंबर के बाद ये रास्ते बंद होते हैं बिल्कुल। तो गाइस जगह देख रहे हो आप कितनी ब्यूटीफुल है ये। एक घंटा हो गया हमें इसी रूट पे चल रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट ही चल रहे हैं हम, मतलब अभी कुछ ज़्यादा हिल नहीं चल रहे ना पिल रहे, सीधा चले जा रहे हैं अभी तक हम। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा, गाइस ठंड भी ज़्यादा है। और ये जो लोकेशन है एकदम फील कराती है कि बॉर्डर क्या चीज़ होती है, आप बॉर्डर पे जब आते हो कितनी टफ कंडीशन होती है यहाँ पर। हम तो दो दिन के लिए आएंगे और आके चले जाएंगे, लेकिन हैट्स ऑफ है इंडियन आर्मी को जो कि इतनी टफ कंडीशन में रहते हैं यहाँ पर। और अपना टांगनांगला रह गया 42 किलोमीटर। तो गाइस हम एक्स्ट्रा कैरी करते हैं जेरी कैन, अब ये काम आ गया है यहाँ पे, क्योंकि इधर में जो टैंक है ये कितने लीटर का है, 12 लीटर का, 8 लीटर का टैंक है ये, तो डाल लेना चाहिए अब, देख ले। तो गाइस अपना तिरंगा शान से रहता हुआ ये जा रहे हैं हमारे आगे, बाबा ऑन व्हील जो कि आए हैं छत्तीसगढ़ से, और ये हमारे साथ कर रहे हैं लद्दाख की राइड, और ये हमारे साथ रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर तक मेरे साथ। उसके बाद मेरे साथ अलग हो जाएंगे, मैं अपने रास्ते पर जाऊँगा, ये अपने रास्ते हो जाएंगे। पिछले पांग के बाद वो माउंटेन चढ़ने के बाद हम 15-20 किलोमीटर से ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं, बस यही रोड चल रहा है ऐसे ही बस पहाड़ों के नीचे नीचे से। वो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है और बटरी और मक्खन रोड है एकदम से। ये है हमारे बाबा ऑन व्हील। बाबा जी ने गाड़ी खींची हुई है, 125 सीसी है ये हीरो शाइन, लेकिन पूरी भाग रही है गाड़ी। ये हमारे बाबा जी, ये जो जगह ये डिबरिंग आ गई है। यहाँ पे भी कोई खाने पीने का एक शॉप तो दिखी है वैसे, तो सोने की व्यवस्था तो है इनके पास भी। और तांगलांगला रह गया है 24 किलोमीटर, सिर्फ 24 किलोमीटर रह गया है तांगलांगला यहाँ से। माउंटेन देखिए कैसे ऊपर है, जो इसके ऊपर जो माउंटेन पर छाई पड़ रही है, ऊपर उसकी पड़ रही है क्लाउड्स की, ऐसे लग रहा है कोई डिजाइन बन गया ऊपर माउंटेन के ऊपर ना, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है डिजाइन भी है। आगे अपने बंदे आगे, ये गए हमारे बाबा जी। गाइस कुछ लोग साइकिल से करते हुए, ये देखिए गट 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 गट। तो गाइस बैटरी बदलने के लिए रुका था यहाँ पे, बैटरी ख़त्म हो गई थी एक बैटरी, और अभी चढ़ रहे हैं हम तांगलांगला की चढ़ाई। ज़्यादा जोर लगाने में सांस फूलने लग जाता है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम तो है भाई। चलो चलते हैं आगे। हाँ जी
नो 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 गुड। तो ये भाई बंधु अपने वेस्ट बंगाल से आए हैं और ये तमिलनाडु से आए हैं। तो इनको मैं रुका हुआ था, मैं सोचा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है, माउंटेन सीकनेस हो जाती है कई बार समटाइम बंदों को, बट अभी तक अपना ओके है सब कुछ। थोड़ा सांस फूलता ही हमेशा फूलता हो तो लीजिए गाइस। फिर हम पहुंच गए हैं तंगलंगला पास। ये है गाइस तंगलंगला पास। हम वहाँ पर थे टॉप पर ऊपर, वो मुझे दिख रहा है वो मंदिर ऊपर जहाँ से हम नीचे आए हैं। अभी जरूर रह गया 35, 80 रह गया 53,